नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। दिल्ली में तनातनी के बीच मेयर चुनाव आखिर कंडक्ट हो ही गया और आम आदमी पार्टी की शैली ओब्रॉय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई। किसी तरह बुधवार को मेयर का चुनाव हुआ, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव शुरू हुआ। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, वैसे ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मारपीट शुरू हो गई। सदन में जमकर हंगामा हुआ, सदन में बोतलें फेंकी गई और बैलेट बॉक्स भी पलट दिया गया। बताया जा रहा है कि इनमें मेंबर्स में पुरुष पार्षद भी थे और महिला पार्षद भी थी, जिनके बीच झड़प। आपको बता दें, गुरुवार के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसलिए अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। सदन में हो रहे बवाल के बीच बुधवार और गुरुवार को सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बवाल तब हुआ जब स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल ले आए, जिस पर भाजपा के मेंबर्स ने आपत्ति जताई। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। मेयर शैली ओब्रॉय अपनी कुर्सी पर थी और भाजपा के सदस्य वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने बैलेट बॉक्स पलट दिया। इसके बाद आम आदमी और बीजेपी दोनों के मेंबर्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। महिलाओं ने भी एक दूसरे पर हमला किया। इसके बाद नारेबाजी भी की गई। यह हंगामा देर रात तक चलता रहा। पूरे मामले के बाद शैली ओब्रॉय ने कहा कि भाजपा के पार्षद ने मुझ पर हमले की कोशिश की, ये भाजपा की गुंडागर्दी की इंतहा है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला है। शैली ओब्रॉय को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में भाजपा की रजनी अब भी आखिरी महिला मेयर थी। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इसके बाद 2022 में एमसीडी को एक कर दिया गया। एमसीडी को एक करने के बाद ये एमसीडी का पहला चुनाव था। पहले तो मेयर को लेकर हंगामा हुआ और अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये हंगामा कहाँ जाकर रुकता है। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।